मैं आज अरिस्टोटल के ऊपर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि मैं जब इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था अरिस्टोटल की, तो इतने सारे ब्रांड्स मिले मेरे को, तो बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन हो गया मेरा खुद का कि कैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अरिस्टोटल के बारे में कौन कौन से ब्रांड्स है और कैसे कंपेरिजन करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्पेयर एक्चुअली ऑल द ब्रांड्स, देर आर थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा डायरेक्टली कि कौन सा ब्रांड अच्छा है कौन सा बुरा है, मैं डायरेक्टली आपको इतना बता सकता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन में मेरे हाथ लग गई है कि रिस्टवॉचेस के बारे में, कि जब आप बाय करना चाहते हैं रिस्टवॉचेस तो कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, और कुछ रिस्टवॉचेस बहुत महंगी रहती है तो वो महंगी क्यों रहती है, इसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले रिस्टवॉचेस के दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, क्वार्ट्ज बेसिस और दूसरा जो है मैकेनिकल रिस्ट वॉचेस। तो ये जो डिवीजन किया है कैटेगरीज की है वो बैटरी के ऊपर किया है। अगर आपके रिस्ट वॉचेस को बैटरी लगती है तो इसका मतलब है उस रिस्ट वॉच क्वार्ट्ज टाइप का है, और अगर आपके रिस्ट वॉच को बैटरी नहीं लगती है इसका मतलब है वो मैकेनिकल रिस्ट वॉच है, और मैकेनिकल रिस्ट वॉचेस जो रहते हैं वो बहुत महंगे रहते हैं। रोलेक्स एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड है वर्ल्ड में, एक कंपनी है, तो ये कंपनी बहुत सारे लाइक लग्जरी वॉचेस बनाती है रिस्ट वॉचेस। तो मैकेनिकल वॉचेस जो रहते हैं बहुत सारे एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं और उसके लिए जो मेहनत लगती है वो बहुत ही ज़्यादा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है मैकेनिकल वॉचेस बनाने के लिए, तो इसलिए उसका एक्सपेंसिव रहते हैं। और ज़्यादातर लोग मैकेनिकल वॉचेस इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ बैटरी का झंझट नहीं है, सिर्फ उसको रिवाइंड करना पड़ता है, रिसेट करना पड़ता है उस वॉच को, और बाद में तो ऑटोमेटिक वो चलता जाता है, मतलब बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं मैकेनिकल वॉच के लिए। दूसरा जो है वॉच क्वार्ट्ज टाइप का जो वॉच रहता है जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है बैटरी रहता है, तो बैटरी डाल के आपको चलना पड़ता है वो, अगर बैटरी नहीं है तो रिस्ट वॉच काम नहीं करेगा। तो ये दोनों टाइप से रिस्ट वॉचेस को हम और दूसरे तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि डिजिटल डिस्प्ले के, डिस्प्ले कैसा है रिस्ट वॉचेस का, अगर डिस्प्ले में अगर डिजिटल डिस्प्ले है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है तो उसके उसको बोलेंगे हम लोग डिजिटल रिस्ट वॉच, और अगर कांटे है इसमें रिस्ट वॉच के अंदर तो उसको बोलेंगे हम लोग एनालॉग रिस्ट वॉच। तो ये डिस्प्ले के बेसिस पे भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं रिस्ट वॉचेस को। और बाकी चीज़ें हैं जैसे रिस्ट वॉच का जो बैंड रहता है वो मेटेलिक बॉडी कैसा बना है, मेटेलिक का है या प्लास्टिक यूज़ किया है, तो सिलिकॉन यूज़ किया है, तो मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, इसके ऊपर भी हम लोग कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। वर्ल्ड में तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं रिस्ट वॉचेस को, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि थाउजेंड से ऊपर ज़्यादा ब्रांड्स हैं, रोलेक्स है, टॉमी हिल्फिगर है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मतलब मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इतने सारे ब्रांड्स है रिस्ट वॉचेस के, तो कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल है। और ज़्यादातर रिस्ट वॉच की बनाने की कंपनीज यूरोपियन कंपनीज हैं। इंडिया में अगर बात करें हम लोग इंडिया के हिसाब से, तो इंडिया में ज़्यादातर लोग टाइटन के रिस्ट वॉचेस लेते हैं जो कि टाटा की कंपनी है, और टाइटन का जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट उधर आप चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको मतलब ना कि सिर्फ टाइटन और फास्ट ट्रैक जो टाइटन के खुद के ब्रांड्स हैं उसके रिस्ट वॉचेस ले सकते हैं, बल्कि उन्होंने टाइप किया इंटरनेशनल रिस्ट वॉच ब्रांड के साथ, तो उनके भी आप उधर बाय कर सकते हैं ऑनलाइन टाइटन की वेबसाइट पे। आपको दूसरे ब्रांड्स का भी रिस्ट वॉचेस लेना है तो amazon.in पे जाके आप रिस्ट वॉचेस ले सकते हैं, मैंने लिंक दिया है अभी इस वीडियो के नीचे, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। और फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लेके आऊँगा आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।